हाँ तो बच्चों अपन क्या आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, शिरा और धमनी में अंतर। सवाल आता है कि शिरा और धमनी में अंतर बताओ। तो अपन चार अंतर बताते हैं धमनी और शिरा में, कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, आरटी और वीएच में अंतर। अब धमनी और शिरा में अंतर से पहले आपको कुछ समझना है कि धमनियाँ क्या करती है, पूरे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त का वितरण करती हैं। धमनियाँ होती है वो पूरे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त को ले जाएगी, और शिराओं का काम है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाना। तो धमनी और शिरा में सबसे पहला डिफरेंट ये है कि धमनी है वो वितरण वाहिकाएं हैं। धमनियाँ वितरण वाहिकाएं होती हैं पूरे शरीर के अंदर, जो शुद्ध रक्त है वो शुद्ध रक्त को क्या करती है, वितरण का काम करती हैं। और शिराएं हैं वो संग्रह वाहिकाएं हैं, शिराएं संग्रह वाहिकाएं हैं पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं। तो पहला डिफरेंट हो गया कि धमनियाँ वितरण वाहिकाएं हैं, पूरे शरीर में क्या करती है, शुद्ध रक्त का वितरण करती हैं। और शिराएं हैं वो क्या है, संग्रह वाहिकाएं हैं पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं। अब नेचुरल सी बात है कि भाई पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है यानी वी ऑक्सीजनित रक्त है उसको लाने का काम कौन करता है, शिराएं। तो पहला डिफरेंट हो गया धमनियाँ आर्टरीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, खून हृदय से निकला पूरे शरीर में पहुँचा दिया, और शिरा ने क्या कर दिया, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर आ गया। फिर अपन कहते हैं शिरा धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनित रक्त है वो बहता है। इसके अंदर धमनी के अंदर कैसा रक्त बहेगा, ऑक्सीजनित रक्त है उसका प्रवाह होता है, ठीक है, धमनी है उसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह होता है, और शिरा के अंदर अनऑक्सीजनित रक्त प्रवाह होता है। यानी अनऑक्सीजनित का मतलब होता है अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको कहते हैं अनऑक्सीजनित रक्त, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंट हो गया कि धमनियां वितरण वाहिका है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का वितरण करती हैं, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का वितरण करती हैं, और शिराएं हैं वो संग्रह वाहिका है पूरे शरीर में क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त का संग्रह करती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर हमें कोई एग्जाम्पल तो बताओ कि हम पता लगा सके ये धमनी है ये शिरा है, जो ये हाथ के पास नीले नीले रंग की दिख रही है ये सब शिराएं हैं, जो ये नीले नीले रंग की दिख रही है आपकी चमड़ी के पास ये सब शिराएं हैं, और यहाँ पे आप इस जो अंगूठा है इस तरफ आप यूँ दबाते हो तो आपको यूँ महसूस होता है कि यूँ डब डब और यूँ ये यूँ बार बार आपके हाथ को ऊपर उछाल रही है, ये धमनी है। तो शिरा है वो चमड़ी के पास है और धमनी थोड़ी गहराई में है, धमनी थोड़ी गहराई में है, शिरा आपको दिख रही है, आप इसको दबाओगे आपको कोई ज़्यादा फील नहीं होगा क्योंकि इसमें रक्त दाब के साथ नहीं बह रहा है, धमनी थोड़ी गहराई में है, आपके जैसे इसमें खून प्रेशर के साथ बह रहा है, खून आपके हाथ को दबाते उछल रहा है, इसका मतलब अपन कहते हैं तीसरा डिफरेंट ये। पहला डिफरेंट हो गया कि धमनियाँ वितरण करती हैं और शिराएँ संग्रह करती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन अधिक होता है उसको कहते हैं शुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम होता है अनऑक्सीजनित रक्त वो शिरा में बहता है। अब आता है अपवाद, क्या ऐसी कोई धमनी है, क्या ऐसी कोई धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो उत्तर है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यह सवाल आता इंपॉर्टेंट। सीधा सवाल पूछ लिया कि ऐसी कोई धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो आपका उत्तर होगा फुफ्फुसीय धमनी। अब सब शिराओं में कैसा रक्त बहता, अशुद्ध, लेकिन ऐसी कोई शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है तो आप बताओगे फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा के अंदर कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध, फुफ्फुसीय शिरा के अंदर कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध। ये अपने को अपवाद याद करना है। तो अपना पहला टारगेट हो गया कि ये वितरण वाहिका है शुद्ध रक्त का वितरण करती है, संग्रह वाहिका है शुद्ध रक्त का क्या करती है, संग्रह करती है। दूसरा हो गया कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद फुफ्फुसीय धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अपवाद फुफ्फुसीय शिरा, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो ये अपने को तीसरा डिफरेंट याद रखना है। इसको एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे ये हृदय है, इस हृदय से रक्त है
अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़ों के अंदर, अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़ों के अंदर और शुद्ध रक्त आता है वापस फेफड़ों से होकर। ये फुफ्फुस है, ये फुफ्फुस क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है, फुफ्फुस रक्त का शुद्धिकरण करता है, यानी इसमें ऑक्सीजन मिलाता है। अब फुफ्फुस में रक्त लेके कौन गया, फुफ्फुस ये धमनी, फुफ्फुस में रक्त लेके कौन गया, फुफ्फुस ये धमनी। तो फुफ्फुस ये धमनी के अंदर कैसा रक्त है, अशुद्ध, ऑक्सीजन कम है, लेकिन यहाँ पे रक्त हुआ शुद्ध, ऑक्सीजन मिक्स हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। फुफ्फुस शिरा इस रक्त को लेके आएगी, फुफ्फुस शिरा संग्रह वाही का है, इस रक्त को लेके आएगी हृदय के अंदर, इसमें लेके आएगी हृदय में, तो इसमें कैसा रक्त है, शुद्ध। तो पूछा जाता है कि धमनी में ऐसी कोई धमनी है, ऐसी कोई धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो आपका उत्तर होगा फुफ्फुस धमनी, ये रक्त को लेके जाती है फुफ्फुस में। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, फुफ्फुस, हृदय सिर्फ रक्त को पंप करता है, हृदय का काम है रक्त को पंप करना और इसका काम है रक्त को शुद्ध करना, फेफड़े का काम होता है रक्त को शुद्ध करना, ये भी आपको ध्यान रखना है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, फुफ्फुस, और रक्त को घुमाता कौन है, हृदय, हृदय एक मोटर है, हृदय मोटर है और ये है शुद्ध करने वाला अंग। तो ऐसी कोई शिरा है क्या, ऐसी कोई शिरा है क्या जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस शिरा, वो कहाँ से रक्त लाती है, फेफड़े से, कैसा रक्त लाती है, शुद्ध। और ऐसी कोई धमनी है क्या जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो हाँ फुफ्फुस धमनी, बाकी शरीर की सब धमनियों में कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई किस तरह से क्या काम होगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट डिफरेंट अपन देखेंगे, धमनी है उस धमनी की दीवार मोटी होती है, धमनी की दीवार कैसी होगी, मोटी, धमनी की दीवार ऐसे मोटी होती है और शिरा की दीवार बिल्कुल पतली होती है, शिरा की दीवार पतली होती है, धमनी की दीवार मोटी है और शिरा की दीवार पतली है। फिर उसके बाद धमनी का व्यास कम है, धमनी का व्यास कम होता है, धमनी का व्यास कम होता है और शिरा का व्यास अधिक होता है, शिरा का व्यास अधिक होता है। अब धमनी है वो त्वचा की गहराई में होती है, धमनी त्वचा की गहराई में होती है, धमनी त्वचा की गहराई में होती है, यानी त्वचा के काफी अंदर होती है, लेकिन ये जो ये हाथ वाली धमनी है और यहाँ ये गर्दन के पास धमनी है, ये पास आई हुई है और बाकी शिराएं त्वचा के पास होती है, शिराएं त्वचा के पास होती है, शिराएं त्वचा के पास होती है, समीप होती है। धमनी है उसमें रक्त दाब के साथ बहता है, धमनी में रक्त दाब के साथ बहता है, रक्त दाब के साथ बहता है, शिरा में रक्त दाब के साथ नहीं बहता है, शिरा में रक्त दाब के साथ प्रवाहित नहीं होता है, नेचुरल सी बात है, शिरा में रक्त दाब के साथ प्रवाहित नहीं होता है और इसमें रक्त दाब के साथ बहता है। अब आपने यहाँ देखा तो यहाँ पे आपको दाब महसूस हुआ और यहाँ देखा तो आपको दाब महसूस नहीं हुआ, तो इसमें रक्त दाब के साथ बहता है और इसमें रक्त दाब के साथ नहीं बहता, ये ध्यान रखना है। फिर पहला आपने डिफरेंट बताया, धमनी मोटी होती है और शिरा की दीवार पतली होती है, धमनी खाली होने पर पिचक जाती है, धमनी जैसी खाली होगी वैसे ही पिचक जाती है, धमनी खाली होने पर क्या होगा, पिचक जाएगी, सॉरी धमनी खाली होने पर पिचकेगी नहीं, क्या होगा, मोटी है ना तो पिचकेगी नहीं, मोटा पाइप पिचकता नहीं है, और शिरा खाली होने पर पिचक जाती है, ध्यान रखना पतला पाइप है, क्योंकि इसका व्यास क्या है, इसका व्यास है वो कम है लेकिन दीवार मोटी है, ये अपने को डिफरेंट याद रखना है कि ये खाली होगी तो पिचकेगी नहीं, पिचकती नहीं है, ठीक है, और ये खाली होने पर पिचक जाती है, खाली होने पर क्या होगा, पिचक जाती है। अब धमनी है उस धमनी के अंदर कपाट नहीं पाए जाते, इस तरह के कपाट होते हैं जो खून को वापस आता है या खून को जाता है उस समय आने जाने के बीच में रोकता है, धमनी के अंदर कपाट नहीं होते हैं, अपवाद भी इसमें, धमनी में कपाट नहीं होते हैं, धमनी में कपाट नहीं होते हैं, लेकिन शिरा में क्या होते हैं, कपाट होते हैं, शिरा में क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं।
अब जैसे पैर से खून ऊपर चल रहा है तो बिना प्रेशर के चल रहा है, खून वापस जा सकता है तो कपाट होते हैं वो, एक बार खून आ गया उसको वापस जाने से रोकते हैं, तो शिरा में कपाट पाए जाते हैं। तो मेन मेन डिफरेंट ये है कि धमनी है, धमनी की विशेषता है कि धमनी शुद्ध रक्त का वितरण करती है। किसका वितरण करती है? शुद्ध रक्त का। और शिरा है वो अशुद्ध रक्त है उसका संग्रह करती है, अशुद्ध रक्त का संग्रह करती है। धमनी है उसकी विशेषता क्या है, उसमें ऑक्सीजनित रक्त बहता है और शिरा के अंदर अनऑक्सीजनित रक्त बहता है। अब डिफरेंट आया कि धमनी की दीवार मोटी, धमनी की दीवार मोटी और शिरा की दीवार पतली। ये शिरा है दिख रही है बिल्कुल पतली पतली दीवार है और धमनी यहाँ बहुत मोटी होती है। अब धमनी का व्यास, दीवार मोटी होगी तो अंदर जगह कम होगी, तो इसका व्यास क्या होता है? कम, और इसका व्यास ज्यादा। धमनी त्वचा की गहराई में होती है, धमनी त्वचा की गहराई में होती है और शिरा त्वचा के पास होती है। धमनी लाल रंग की होती है, धमनी कैसे रंग की होती है? गहरे लाल रंग की। और ये शिराएं नीले नीले रंग की होती है, ये नीले नीले रंग की है। अब इसमें रक्त दाब के साथ बहता है और शिरा में रक्त दाब के साथ नहीं बहता। आप यहाँ हाथ लगाओ आपको कोई दाब फील नहीं होगा, यहाँ हाथ लगाओ आपको दाब लगेगा कि रक्त दाब के साथ बह रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा धमनी को खाली की, धमनी खाली की तो पिचकती नहीं, ऐसे ऐसे पड़ी रहती है। शिरा के अंदर से खून बाहर निकाल दो, शिरा यूं पिचक जाएगी। फिर अपन कहते हैं कि धमनी के अंदर कपाट नहीं है, अब खून प्रेशर के साथ बहता है तो कपाट कहाँ चाहिए? लेकिन ऐसे कुछ ही धमनी है और जो महा धमनी चाप है उसमें कपाट होते हैं, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। शिरा में खून ऊपर चढ़ता है, खून यहाँ से जाता है तो खून धीमे धीमे जाता है। अगर मान लो कपाट होंगे तो खून चला जाएगा तो कपाट बंद हो जाएंगे, विपरीत प्रवाह को रोकेंगे। तो इस तरह से धमनी और शिरा में ये मैंने आपको डिफरेंट बताए हैं, आपको इनको याद करना है कि शिरा और धमनी में क्या अंतर होते हैं। कोई चार अंतर अपने को याद होने चाहिए। तो मेन डिफरेंट है, ऐसी कोई धमनी का नाम बताओ जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो आपका उत्तर होगा फुफ्फुसीय धमनी। सीधा टीचर आपसे सवाल पूछता है, बेटा आप कोई जानते हो कि ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो आपका उत्तर होगा फुफ्फुसीय धमनी। क्या ऐसी कोई शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो आपका उत्तर होगा फुफ्फुसीय शिरा। ये अपवाद है, ठीक है। बाकी अपन धमनी और शिरा में, धमनियां पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का वितरण करती है। आप देखते हो ये जगह जगह पाइपलाइन बिछी होती है, वो घरों में पाइप को पानी को सप्लाई करती है और गटर लाइनें क्या करती है, उस गंदे पानी को ले जाती है। तो धमनियाँ एक तरह से क्या कर रही है, पूरे सिस्टम जो बॉडी है उसमें शुद्ध रक्त को भेज रही है, यानी रक्त को पंप कर रही है, रक्त जा रहा है और शिराएं वापस रक्त को क्या करके आ रही है, लेके आ रही है। यानी ये हृदय में रक्त लाती है और ये हृदय से रक्त ले जाती है। धमनियों का काम है पूरे शरीर में रक्त को ले जाना और शिराओं का काम है पूरे शरीर से रक्त को लाना। तो आप, मेरी वीडियो कैसा लगा, आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।